पाकिस्तान के सिंधु सूबे में अज्ञात हमलावरों ने एक हिंदू व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना सिंधु के घोटकी जिले के देहरकी इलाके की है। मारे गए हिंदू व्यापारी का नाम सतनलाल है, जो देहरकी के एक बड़े व्यापारी थे। सतनलाल के दोस्त अनिल कुमार ने पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को घटना की जानकारी देते हुए बताया, सतनलाल अपनी जमीन पर कॉटन फैक्ट्री और आटा मिल का उद्घाटन करने गए थे, जहां उन्हें गोली मार दी गई। हमें शुरू में लगा कि यह हिंदू समुदाय के गुरु सेंट साधाराम साहब के स्वागत के लिए हवाई फायरिंग थी, लेकिन उन्होंने सतन लाल पर फायरिंग शुरू कर दी। स्थानीय पत्रकारों ने दावा किया है कि करीब 8 साल पहले भी सतन लाल पर हमला हुआ था। तब कुछ लोगों ने सतन लाल पर गोली चलाई थी। इस हमले में वे बाल बाल बच गए थे। कुछ महीने पहले भी सतन लाल पर हमले की कोशिश की जा चुकी है। इस हमले के बाद सतन लाल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने देश छोड़ने के लिए कहने वालों पर निशाना साधा था। वीडियो जारी कर उन्होंने कहा था कि मुझे जान से मारने, आंखें फोड़ने और मेरे हाथ पैर काटने की धमकी दे रहे हैं। वे मुझे पाकिस्तान छोड़ने के लिए कह रहे हैं। मैं इस देश का हूं और यहां मरना पसंद करूंगा, लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। सड़क किनारे की जमीन मेरी है और मैं इसे क्यों छोड़ दूं। सतनलाल ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य अधिकारियों से उन्हें न्याय दिलाने की अपील भी की थी। सतनलाल की हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने दहर की पुलिस स्टेशन के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। लोगों ने विरोध जताते हुए हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी बचाल दाहर और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रदर्शनकारियों को राजमार्ग से हटा दिया गया है। 2 एकड़ की एक भूमि की वजह से विवाद हुआ। इसी विवाद के चलते सतनलाल की हत्या कर दी गई। विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कहा, हिंदू समुदाय की लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, लोगों का अपहरण और सरेआम हत्या की जा रही है। सिंध प्रांत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदू परिवारों को लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों पर हमले में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान के पेशावर में बीते 31 जनवरी को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक ईसाई पादरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और एक अन्य व्यक्ति को घायल भी कर दिया था। इससे पहले 4 जनवरी को सिंध प्रांत की ही एक अनाज मंडी में एक हिंदू व्यापारी सुनील कुमार की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मैं हूँ आस्था, देखते रहिए द लल्लन टॉप।